बोला कहाँ गया था मैं, और ऐसा हुआ था मैं मॉल के अंदर चला भी गया मूवी देखने, मैं गया था अन्नू मन्नू और नितिन, हम चार गए थे, ये इन तीनों ने मूवी देख ली, मेरे तो बाहर निकाल दिया कि हाउसफुल हो जा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड अभी मैं तो रेडी पड़ा हूँ जाने के लिए, क्योंकि आज मेरे थोड़ी देर फंक्शन, तो मैं जा रहा हूँ रेडी होकर। वही कपड़े मेरे पैसे सही रह रहे हैं और वहाँ पर सो रहे हैं, मम्मी यहाँ पर है अपनी, और अम्मा का भी खाना बना रही है, ठीक है सर जा रहा हूँ, ठीक है कर सकते हैं। 5 hours later. तो अब वापस आ गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे शूट करानी है मैंने थोड़ी इसमें, और बारिश पड़ रही थी तो आते थे भीग गया पूरा। फिर वहाँ से कवर गया था, इससे अंदर अपना फ़ोन निकलाया और ये पेपर वगैरह सिलेबस वगैरह मिला, इसमें क्या टाइम टेबल है खाने पीने का। और अब मेरी वॉच जो वापस मिली गई है सर, तो अब खाना पीना खा लेते हैं, बस खाना ले आओ। वहाँ मैंने पेप्सी पी ली बस, वहाँ डिब्बा मिला खाने का, उसमें चॉकलेट थी फ्रूटी ही, एक नमकीन ही, एक बिस्कुट था, आज बन गई हमारे बहुत टाइम बाद कचौड़ी। हुई आज हुई बारिश, जब भी बारिश पड़ती है कचौड़ी जरूर बनाते हैं डेली से, और अभी रात हो रही है तो टाइम मिल जाएगी। दिन में तो मैं 9 बजे गया था, फिर 3 बजे के आसपास आया ठीक है, उससे बाद काम कर रहा हूँ लैपटॉप, फिर मैं काम किया ही नहीं। तो नितिन यहाँ पे फ़ोन देते हैं कि कचौड़ी खा रहा है, तेरी फेवरेट है कचौड़ी, अरे ये फेवरेट है, तो इसको अभी बात करने का मूड नहीं है अभी इसका, तो बाद में बात करेंगे इससे। और अभी बन रही है पूरा सेटअप, हम जा रहे हैं यहाँ पे, पापा और मैंने खा भी लिया, बस अम्मा खा रही है अभी। तो कचौड़ी वगैरह हम बहुत खाते हैं, क्योंकि हम थोड़े देसी से हैं, मतलब है शहरी बट देसी है, हम ये चीज़ें ऐसी मम्मी हमारी गाँव की है, पापा भी गाँव के, हम मम्मी हैं झांसी, पापा झांसी के हैं, झांसी सही है, पापा सही है गाँव के, मम्मी झांसी गाँव की है ना, झांसी चाँचली कहाँ पर पड़ता है, जेवर खुर्जा से आगे, और हम तो गाजियाबाद ही पता, हमारा गाजियाबाद ही है। थोड़ी सी मैं सोच कर वीडियो बना, पर वही नए नए लोग देखेंगे तो अच्छा लगता नहीं है, अपने घर पर ही ठीक है, टोली की लाइफ आ रहा है, घर की लाइफ आ रहा है। तो गाइस अभी अभी जस्ट मेरा प्लान बना मूवी जाने का, अभी अकेले, अब कल मैं मूवी जा रहा हूँ PVR VVIP PVR मॉल में गाजियाबाद में, दिखाऊंगा अच्छे से, तो मैं ही जा रहा हूँ अकेले, घर से कोई नहीं जा रहा ना, मेरा दोस्त, मैंने दोस्तों से पूछी व्हाट्सअप पर, वो ले जाए स्टेटस। अब मुझे आज मालूम पड़ा कि मतलब मैंने टिकट बुक कर ली, बाद में मालूम पड़ा कि मूवी कल से रिलीज़ हो रही है, उसका नाम है मिडिल क्लास लव, मिडिल क्लास फैमिली में लव कैसे चलता है वो सिस्टम, बट ये अच्छा मज़ा आया देखने में, तो कल चलेंगे मूवी देखने। मम्मी को आंदा अब, मम्मी तो अपनी बातों में लगी पड़ी हैं, मम्मी या तो मौसी से बात कर रही होंगी, या फिर मेरे मामा की बेटी, बेटे मामा की जो बेटी हैं उनसे, यानी मिल गई से या सुन किसी से भी ऐसा। और अभी सुबह सुबह बस दोपहर 1 बजे की टिकट है, 1:40 की, तो मैं 1 बजे 1 बजे निकलूँ यहाँ से, ऑटो वोटो में यहाँ से पहुँच के फिर पहुँच जाऊँगा, है ना। और हाँ वैसे मैंने सिर्फ टिकट एक ही बुक करी है, जब कोई समझ मेरे साथ दूसरा कोई जा रहा कोई भी, तो मैं स्क्रीन शॉट यहाँ लगा दूँगा, बस एक ही टिकट बुक करी है मैंने अपने लिए बस अकेले। इतनी देर से मम्मी की आवाज़ मानो तब भी सुन रही थी, मैंने बोला कि पूरी बातों में चोर हो जाओ आज ना, फिर भी हैं तब भी समझ नहीं आया, अब भी नहीं आ रही यार मम्मी। मम्मी को बताना पड़ा 4-5 बार जब समझ में आता मम्मी को, है ना। मैंने अपने जो सेविंग में पैसे बचाए हुए थे, कल जा रहा हूँ पहली बार पिक्चर देखने, अब पैसे वो भी टिकट पैसे एक ही बुक हो पाएगा, तो अकेले आ रहा हूँ कल 1:30 बजे अकेले। कहाँ पे? PVR मॉल राजनगर में, VVIP मैं बोलो ये बन जाएगा, बहुत टाइम बाद जाऊँगा, 178 की पड़ी है, 1:50 उसमें है, मैंने और थोड़ी सी बुक करी, तुम भी चलो एक पैसे का अभी मतलब पैसे तो हैं, मैं थोड़े कल रिलीज हो रही है, उसका नाम है मिडिल क्लास लव, चल नया हीरो है, मिडिल क्लास फैमिली लोग भारत में, एक तुल्ला बात ये है बढ़िया, आप चल दे जाऊँगा अकेले। अब मैं टिकट मैंने एक ही लिया, स्क्रीन शॉट देख लेना यहाँ पे, एक ही टिकट बुक करी है, ये इतना पैसा था भाई, जितना पैसा था वो सब लग गया क्योंकि कॉलेज मंडे शुरू होने वाले हैं, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लूँ, मैं सोच रहा कहीं जाऊँ राजस्थान जाऊँ, इधर घूमने जाऊँ, मेरा मन था लंबे टूर पे, पर अभी इतना हो नहीं पा रहा वजह, तो चलो मैंने सोचा मूवी देख लिया तो माइंड फ्रेश हो जाए, या फिर मंडे से फिर तो फिर वैसी लाइफ हो जाएगी, क्योंकि सुबह 8 बजे उठना जल्दी है, क्योंकि काम करना पड़ेगा, पैसा मैनेज थोड़ा बहुत, फिर 8 बजे से लेके रात शाम को 4 बजे तक तो तोड़ ही जाएगा, उससे बाद खाना पीना होगा 5-6 बजे, फिर बाद में ब्लॉग बना जाऊँगा, तो फिर तो लाइफ बन सी जाएगी, उसमें पढ़ना भी होगा, काम भी करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैं सोचा थोड़ी सी मौज मस्ती चले कल चले जाते हैं,
कल जाऊँगा मॉल, वीवीआईपी मॉल दिखाया नहीं मैंने वीडियो में आज तक, तो वो मॉल दिखा दूंगा आपको। थक गया ना, थक गया बोल बोल तो मैं तो ना बुक कर दी है। तुम्हारे वहाँ चलने जा है ना, कितने की है? मेरे पास उसमें अहमद जा रहा, पहले मैंने रिचार्ज करा अपना तो उससे मैंने जमा 75-75 रुपये, तो पापा रिचार्ज कराया ना कि मैंने वो कम कर दिया, कम करने के बाद भी 50 रुपये, मतलब जैसे मान लो पापा रिचार्ज 250 था, 75 रुपये सुन रहे यानी 175 जटे पूरे, उसमें से 50 वापस आए, तो वो वाले 50 यूज चले, फिर मैंने थोड़े से 128 रुपये यहाँ से डाले फ़ोन से अपने, तब बुक करिए। मैंने व्हाट्सएप पर आया फोन चल रहा, कोई इससे नतीजे आया, दो चार आया जरे भाई हम देखेंगे बाद में, ये मैं तो जा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र पड़ रही महंगी वो नहीं है ना एकदम, फिर ये भी चल रही थोड़ी, बट इसमें नया ही रहता है सिर्फ 22 समय पहुँचा था, तो चल चलेंगे मस्ती से। हाँ और मुझे फ्रेश भी होना है अभी, जैसे वो है ना हैप्पी न्यू ईयर 2 पिक्चर आई है, हैप्पी सॉरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, वैसी कहानी है उस पर, यह मज़ा आया। तो तुमने क्या क्या दिन भर में बताओ आज बताओ हैं? और वैसे ही मैं 4-5 साल 6, और वो साड़ी जो थी वो रिटर्न कर दी हमने, आज रिटर्न हो गई, अब वो नई जो हमने नई वाले जो बुक कराया वो सूट्स आया वो भी आ जाएगा कुछ दिन के अंदर, 19 तारीख को। सही बात है। टी शर्ट मेरे पे इतनी सारी टी शर्ट है, बस वही है मैं पैर का दो चार ही जो मैं पसंद है, क्योंकि गर्मी हो रही है अभी, टी शर्ट तो बहुत सारी है मेरे पास। और याद है मुझे जब मैं 5 साल पहले मॉल गया था ना, गाजियाबाद में रेड मॉल है वहाँ गया था मैं, और ऐसा हुआ था मैं मॉल के अंदर चला भी गया मूवी देखने, मैं गया था अन्नू मन्नू और नितिन, हम चार गए थे, ये इन तीनों ने मूवी देख ली, मेरे तो बाहर निकाल दिया कि हाउसफुल हो जाए, मैं बैठा रहा 3 घंटे मैंने कैसे पार किए, वो भी एसी था लेकिन ठंड रही और टी शर्ट में था बस, में बड़ा वो था सचिव भाई, पर इन्हें पता नहीं था कि मैंने मूवी देखी। फिर बाद में बताया मैंने भाई इन्हें मूवी ना देखी, लेकिन तुझे तो याद है ना वहाँ गए हैं बाबा राम रहीम की पिक्चर देखने अन्नू लैया, तो इन्होंने सबने मूवी देख ली, इन्हें पता ही ना कि मैंने मूवी देखी ना। तो जाइए सर आज का माल मसाला यही था, इतनी वीडियो बन पाई 7 मिनट कुछ ही, एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और अब सब सोने जा रहे हैं, हम नितिन जा रहे हैं, जल्दी आओ अब मैं सो रहा हूँ, तो वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं और चल जाएंगे PVR मॉल, टिकट मेरी तो कन्फर्म है, और तो मेरा दोस्त बोल रहा था जाने की जाए तो ठीक है, वरना मैं तो अकेले जाऊँगा, अकेले जियो पे मौज लो, तो चल चलेंगे एंड मॉल दिखाऊँगा आपको अच्छे से, अकेले जाऊँगा तो उस मॉल में आता गया भी नहीं हूँ वैसे, पी उस ना VVIP मॉल राजनगर में गया भी नहीं हूँ उस मास्क में, तो उसमें चलेंगे चिल जाएंगे मजे लेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 बजे, गुड नाइट, बाय बाय।